भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ हजारों साल पहले से ही कई साम्राज्यों का उदय और पतन हो चुका था और कई साम्राज्य अभी भी फल फूल रहे थे। मुगल यहाँ आए और उन साम्राज्यों को जीतकर उनकी दौलत पर अधिकार किया। सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों ने राज किया। भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया था। बाबर के बाद आगे चलकर मुगल वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आप मुगलों के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर एक, भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूरलंग का 5वां वंशज था और अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब बाबर केवल 12 साल का था तब उसे विरासत में फरगना शहर मिला। वो वहाँ का बादशाह बना। 14 साल की उम्र में बाबर उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था और कई युद्धों में उसने जीत हासिल की थी। तब उसकी उम्र केवल 22 साल की थी। अब उसकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। अगले 20 सालों तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। सन 1526 में उसने भारत की सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को निशाना बनाया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने सोचा कि यदि वो इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटा सकता है तो वो वहाँ कब्जा जमा सकता है और साथ में पूरे भारत पर राज करने का सपना भी पूरा कर सकता है। लोदी की सेना में उस समय 1,00,000 जवान और 1,000 हाथी थे, जबकि बाबर की सेना में सिर्फ 12,000 जवान थे। मगर बाबर की सेना खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर युद्ध रणनीति बनाने में पारंगत था। वह युद्ध से हफ्ता भर पहले ही युद्ध स्थान पर आ गया था और अपने अनुसार युद्ध मैदान पर सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर चारों तरफ छिपवा दिया था। मुगलों की सेना में 4,000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे। दूसरी तरफ 1,000 बंदूकबाजों के अलावा बाबर के पास वो हथियार भी था जिसके बारे में लोदी सोच भी नहीं सकता था। चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें। हिंदुस्तान में किसी जंग में पहली बार ऐसी तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने ही किया था। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी बाबर के बनाए हुए जाल में फंस गया। लोदी के 1,00,000 जवान और 1,000 हाथी बाबर की सेना के आगे नहीं टिक सके। तोपों के गोलों से लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। लोदी के हाथी अपनी सेना को ही कुचलने लगे। बाबर के तीरंदाजों ने भागते हुए सैनिकों पर तीरों की बौछारें कर दी। मुगलिया बंदूकों से लोदी के तलवारबाज भी मारे गए। बाबर आसानी से युद्ध जीत गया और इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली में बाबर के राजगद्दी पर बैठते ही भारत में मुगल सल्तनत का आगाज शुरू हो गया। बाबर को लोग एक लड़ाके और एक बादशाह के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर एक उच्च कोटि का लेखक भी था। नंबर दो, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में 23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा। 26 जून सन 1539 में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया।
और किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल हो पाया। हुमायूं सालों भटकता रहा। करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद 1545 में काबुल और कंधार पर अपनी कुशल रणनीतियों द्वारा फिर से अपना कब्जा जमा लिया और 23 जुलाई साल 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली जीतने में सफल हो गया। हुमायूं अफीम का बड़ा शौकीन व्यक्ति था और अफीम ही उसकी मौत का कारण बनी। एक दिन जब वो अफीम के नशे में था तब वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी भाईचारा और एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल के दौरान उसके राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थीं। उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर उसने समाप्त करवा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की थी लेकिन उसने कभी भी जोधा को मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर नहीं किया। यहाँ तक कि रानी जोधा भाई के लिए फतेहपुर सीकरी में उसने एक मंदिर भी बनवाया था। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीने इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इसी धर्म को अपनाया लेकिन दुर्भाग्यवश इस धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। नंबर 4, सभी मुगल बादशाहों में औरंगजेब ही एक ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों का कट्टरता से पालन करता था और इसलिए वो शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे इतिहास का सबसे क्रूर मुगल बादशाह भी माना जाता है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से लागू करवाया। औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय के कवियों और लेखकों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। नंबर 5, मुगल काल में अपराधियों को गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड देने का जो तरीका था वो बड़ा ही भयानक और गंभीर था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उस अपराधी का सर तलवार से अलग कर दिया जाता था या फिर उसका सर हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। नंबर 6, दुनिया के सबसे कीमती हीरे कोहिनूर के बारे में आपने सुना होगा लेकिन आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कभी हमारे देश में मौजूद हुआ करता था, तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सोने का एक सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें हीरे, मोती और नीलम जैसे बेशकीमती धातुओं से बने 2 मोर लगे थे, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। इसकी कीमत 17वीं सदी में करोड़ों में आकी गई थी और इसके निर्माण में कई साल लग गए थे। इस सिंहासन को बेहद ही खास मौकों पर बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताऊस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली लाल किले में लाया गया। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा अद्भुत सिंहासन शाहजहां के बाद किसी राजा महाराजा ने नहीं बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। उसके बाद अचानक ये सिंहासन पता नहीं कहाँ चला गया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं है। नंबर 7, किसी जमाने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताऊस के ऊपर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में कहा जाता था कि जिसके पास ये हीरा है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। उस जमाने में कोहिनूर की इतनी कीमत थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह ने इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से धोखे से हासिल कर लिया। ये हीरा कई मुगल और ईरानी बादशाहों से होता हुआ आखिरी में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। वर्तमान में केंद्र सरकार इस हीरे को दोबारा भारत में लाने की कोशिशें कर रही है क्योंकि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है। दोस्तों, आपको क्या लगता है
क्या भारत इस हीरे को दोबारा ब्रिटेन से वापस ला सकेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नंबर 8, अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका बसाया गया शहर फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ियों पर यह शहर बसाया गया था। कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी उस समय लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद ही इसका नक्शा बनाने में मदद भी की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाई। फतेहपुर सीकरी सन 1571 से लेकर 1585 तक लगभग 14 वर्षों तक मुगलों की राजधानी रही, लेकिन पानी की कमी के कारण सिर्फ 14 साल में ही यह शहर छोड़ दिया गया और दोबारा से आगरा को राजधानी बनाया गया। नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की सफलता के बाद इस दरवाजे को अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जिसकी ऊंचाई 54 मीटर है और इसे बनाने में लगभग 5 साल लग गए थे। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। नंबर 10, मुगल साम्राज्य का चौथा बादशाह जहांगीर सन 1605 में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर की 4 पत्नियां थीं, जिनमें से वो नूरजहां से बेहद प्रेम करता था। नूरजहां ईरान के निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। इसके पहले पति अली कुली खां की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से दोबारा शादी की थी। धीरे धीरे नूरजहां का प्रभाव इतना बढ़ गया कि सभी शाही फरमानों पर बादशाह के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा। जहांगीर स्वयं कहता था कि बादशाहत उसने बेगम के नाम कर दी है। जहांगीर को न्याय की जंजीर स्थापित करने के लिए जाना जाता है। सोने से बनी 240 किलोग्राम की जंजीर से एक बड़ा सोने का घंटा जुड़ा हुआ था, जो आगरा किले में शाह बुर्ज के नीचे स्थापित था। जंजीर यमुना नदी की ओर एक खंभे से बंधी रहती थी। इस जंजीर को कोई भी फरियादी खींच कर घंटे को बजा सकता था। घंटे की आवाज सुनकर जहांगीर खुद न्याय करने पहुंचते थे। इस घंटे को जहांगीरी घंटा भी कहा जाता था। जहांगीर एक न्यायप्रिय बादशाह के रूप में जाना जाता था, लेकिन उस समय ये किसी को नहीं पता था कि अकबर के अंतिम दिनों में उसने अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की निर्मम हत्या करवाई थी। शायद आप ना जानते हों, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार जहांगीर की बेगम नूरजहां ने ही किया था। इस बात को जहांगीर अपनी आत्मकथा तजु के जहांगीरी में खुद लिखा है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।